हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स ठंड का सीज़न है और गाजर का हलवा तो सभी खाते हैं आज मेरा भी मन हुआ गाजर का हलवा बनाने का बट मुझे क्रश करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ क्योंकि मुझे वो क्रश करना ना बहुत ही बोरिंग काम लगता है तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुकर में बना दिया जाए तो सबसे पहले मैंने एक कुकर रख दिया उसमें बड़े चम्मच से दो बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है घी जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम उसमें गाजर डालेंगे तो गाजर को मैंने पहले क्या किया था छिल लिया था और अच्छे तरीके से धो लिया था उसके बाद में मैंने क्या किया उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया ये आप देख सकते हैं अब इसे करना है बिल्कुल अच्छे से फ्राई जब तक कि गाजर जो है गल ना जाए जब तक आपको इसे फ़्राई करना है तो बस धीमी आंच पे आप इसे फ्राई कर लीजिए एक बार इस तरीके से गाजर का हलवा बनाकर ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स आपको बहुत पसंद आएगा सच में इतना ज़्यादा टेस्टी भी बना था ये और टाइम बहुत लगता है बट ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के या इसे बनाना है ऐसा कुछ भी नहीं है आराम से आप गैस पर छोड़ सकते हैं इसे और अपना काम कर सकते हैं बीच बीच में बस आप इसे चलाते रहिएगा तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है बिल्कुल अच्छे से गल भी चुका है और फ्राई तो बहुत अच्छे से हो गई है इसका कलर भी चेंज हो गया उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया दूध जो है मेरा पहले से गर्म था मैंने दूध को गर्म रखा था आप चाहे तो ठंडा भी कर सकते हैं बट मैंने दूध को गर्म कर लिया था कच्चा दूध डालने से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है ये मेरा मानना है मैं हमेशा दूध जो है ना पका हुआ ही डालती हूँ उसके बाद क्या करना है तीन चार सीटी अच्छे से लगा लेनी है तो बस यहाँ पर मैंने रख दिया अब हम सीटी आने का वेट करेंगे इसमें सीटी लगा लेंगे तो एक दो सीटी मेरी आ चुकी है अब और एक दो सीटी आ जाने देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा बगड़ चुका है बहुत कोकर जो है मेरा शायद छोटा पड़ गया दूध जो है ऊपर आ चुका है और ये बहुत अच्छे से हो गया देखिए बहुत अच्छे से अच्छी तरीके से जुड़ गया है जो अपना दूध के साथ में जो हमने डाला है गाजर वो तो बस इसे क्या करना है अभी ये अच्छी तरीके से बन तो गया है बट हमें इसे अच्छे से भी फ्राई करना है तो आप चाहें तो कुकर में फ्राई कर सकते हैं और इसे अच्छे से मैश करना अगर आपके पास मैसर हो तो उससे आप मैश कर लीजिए अगर ना हो तो कोई बात नहीं आप ऐसे घर के किसी भी कल्छे पलटे से आप कर सकते हैं मैं इसे कल्छे से ही मैश कर ली थी तो बस इस तरीके से दबाते हुए इसे मैश कर लेना और आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी डाल सकते हैं कढ़ाई में डालकर अच्छी तरीके से इसे पका लेना है जितना भी आपको एक्स्ट्रा दूध दिख रहा है दूध पूरी तरीके से सूख जाना चाहिए कोई कोई लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा सा ठीक अच्छा लगता है और कई लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा सा सूखा हुआ अच्छा लगता है मेरे पापा को बिल्कुल सूखा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं था आ, उनको सूखा हुआ पसंद है भी नहीं अभी भी नहीं है वो हमेशा रोटी के साथ खाते थे तो उन्हें इस तरीके से थोड़ा सा जब लिक्विड होता वो ज़्यादा अच्छा लगता था बट हम सबको यहाँ पे सूखा पसंद है तो मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दी और इसे अच्छे से सूखा लूँगी अब उसके बाद में आप चाहें तो इसमें काजू बादाम पिस्ता जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं डाल सकते हैं मैंने ये विदाउट खोए की बनाई हूँ और इसके बाद भी ये इतना ज़्यादा टेस्टी था घर में सभी को बहुत पसंद आया था उसके बाद हम इसमें सुगर डाल देंगे तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप मीठा लाइक करते हैं वैसे जब हम मीठी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा मीठा ही होना चाहिए तभी तो टेस्ट आता है बट बहुत सारे लोग हैं जो मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो मैंने इसमें फाइव फ़ाइव टेबल स्पून मैंने इसमें शक्कर डाला है आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा ये मीठा इतना सफिसियंट है और यहाँ पे देखिए मैं इसे फ्राई करते करते बिल्कुल अच्छे तरीके से सुखा चुकी हूँ बिल्कुल इसका जो दूध है सूख चुका है तो यहाँ पे हलवा जो है बिल्कुल लगभग बन चुका है और बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी हलवा बन गया है अब आप क्या कीजिए गैस को ऑफ़ कीजिए और गर्मा गर्म, गर्म हलवा को सर्व कीजिए आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा बाय फ्रेंड्स